हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं विनोद कुमार सावत आप सबको मेरे चैनल चक्षु दर्शन में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे और देखेंगे ये जो मेरे गुड़हल की फूल है और गुड़हल की पौधे के ऊपर कुछ मिल भक्त वगैरह लग गया है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको साफ कराएंगे, क्या किस चीज़ डालेंगे, कितने क्वांटिटी का होगा, क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। आज एक शानदार वीडियो बनने वाला है। मेरे जो मिनी लवली मिनी टेरेस एंड बालकोनी गार्डन है उसके अंदर हिबिस्कस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जो उसके ऊपर जो मिली भक्त लग जाता है तो उसके बारे में हम ट्रीट करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गुड़हल की। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर फूल आया हुआ है और बहुत सारे कलियाँ आया हुआ है। ये देखिए ये बहुत सारे कलियाँ आया हुआ, जो भी आप जहाँ भी देखोगे कितने कलियाँ आया हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गार्डन की अंदर आज इसका सभी का मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कितने कहाँ कहाँ मेरी मिली भक्त लगा। और ये देखिए कितने छोटे छोटे पौधे हैं मेरे। देखो ये कितने छोटे छोटे ग्लास में, प्लास्टिक ग्लास में मैंने इसको लगा रखा हूँ और कितना बड़ा सा देखिए इनके अंदर एक कलिया आया हुआ है। एक ये कलिया, एक छोटा सा एक आया हुआ है। तो इनके अंदर क्या है, मिली वक्त वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से मेरा ये देखिए कितनी सुंदर बहुत सारे कलियाँ आई हुई, पूरा भर भर कर कलियाँ आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मिली वक्त लगा हुआ है, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये जड़ में लगा हुआ है। देखिए ये देखिए ना शांत, ये पत्ते की जॉइंट में, ये जैसे भी है। और ये देखिए देखिए ये सब लगा हुआ है। आज इन सबको ट्रीटमेंट करेंगे, आज इसमें क्या है दवाई डालेंगे। और ये देखिए ये पत्ते में भी, ये पत्ते में भी लगा हुआ है। देखिए ये पत्ते में भी लगा हुआ है, ये देखिए मिली भक्त लगा हुआ है। पत्ते को नहीं तोड़ना, उसके इलाज करेंगे। किस तरह इलाज करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे पूरा गुड़हल के पौधे में कितने सारे कलियाँ आए हुए, भर करके कलियाँ आए हुए। मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था, आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे पौधे हैं मेरा और कितने भर भर के आया हुआ है कलिया। ये देखिए इन पौधों के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और हर संडे को आपको एक बार इन मिट्टियों की थोड़ा सा खुदाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने मैंने ये खुदाई करके ऐसे मिट्टियों को थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अभी तो मैंने इसके ऊपर की मिट्टियाँ नहीं निकला, नहीं है तो इसके ऊपर से मिट्टी निकाल करके थोड़ा अच्छी तरह सुखा करके फिर शाम को पानी डालने के बाद ऊपर या तो खाद डालने के बाद तो डालना चाहिए, ताकि इन पौधों के लिए फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे के लिए भी खाना की ज़रूरत है, तो एक बार सॉलिड खाद दे दिया जाए। सॉलिड खाद देने के बाद ठीक 20 दिन के बाद आप लिक्विड खाद दीजिए, फिर 20 दिन के बाद एक लिक्विड खाद, फिर उसके बाद 20 दिन मतलब 2 महीना हो जाएगा, फिर आपको 2 महीने के बाद फिर आपको सॉलिड खाद देना चाहिए फर्टिलाइज़र, ताकि इन पौधों में हमेशा फूल की कलियां, फूल कभी भी कमी ना रहे। मेरी अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूरी है। अब ये देखिए कोई ऐसे उसकी डाली नहीं है जिस डाली के ऊपर मेरा कली ना आया हो। देखिए कितने सुंदर भाव से, और ये भी मैंने कोई बड़ा सा कोई गमला में नहीं लगाया, एक टूटा हुआ गमला था मेरा, वो भी गमला को मैंने खींचूंगा तो भी गिर जाएगा, उसके ऊपर मैंने टेप लगा करके टूटा हुआ गमला। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टूटा हुआ गमला है, ये देखिए टूटा हुआ गमला है, इसे इसके अंदर टेप टूप लगा करके रखा हुआ है, इसके ऊपर कितने कलियाँ आए हुए। ये उस गमले का मैटर नहीं करता है किस में लगाया कहाँ लगाया, उसको आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, क्या खाद देते हो, कैसे कैसे इसका है ये करते हो। चलो आज हम देखेंगे, अभी फर्टिलाइज़र थोड़ा बनाएंगे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरे पास अभी है नीम ऑयल है, नीम ऑयल के साथ ही नीम ऑयल है, थोड़ा सा मैंने शैम्पू डालूंगा। और शैम्पू तो नहीं है मेरे पास, लाए नहीं मैंने, मेरे पास हैंड वाश है, हैंड वाश का थोड़ा सा 2 बूंदे डालूंगा और साथ में मैंने एंटी फंगस भी मैं डालूंगा। मैंने आपको दिखाऊंगा अभी मैंने क्या क्या डालना है, कितने कितने डालना है, मैं डाल करके 1 लीटर पानी बनाऊंगा। मैंने ये है मेरा नीम ऑयल है, अब देखिए ये बाज़ार में
आराम से मिल जाता है। इसका ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 85 रुपया का, 85 रुपीज़ का ये लिखा हुआ है। मेरे से 80 रुपया लिया था नीम ऑयल। ये ऐसे ये नीम ऑयल का थोड़ा सा 2-3 बूंदें नीम ऑयल डालूँगा। और ये हैंड वाश है मेरा डिटेल का, हैंड वाश है, इसमें भी मैं 2-3 बूंदें डाल दूँगा ताकि ज़्यादा ना हो। और ये मेरा एंटी फंगीसाइड है, एंटी फंगीसाइड ये सारे मिलाऊँगा 1 लीटर पानी में मिला में डाल करके, फिर मैं आपको इसमें स्प्रे करूँगा ताकि इसके अंदर जो मिली भगत है वो सारे दूर हो जाए। इसमें काफ़ी है, आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए ये देखिए ये देखिए मिली भगत लगा हुआ है। आज ये सबको दूर करना, आज इनको मिली भगत से दूर करना आज सब, ताकि अगला 10-15 दिन तक मेरे इन फूलों जब आएगा, भरपूर फूल आने वाला है, इस फूल के लिए कोई कमी ना आ रहे है। देखिए कितने सुंदर फूल है। देखिए मैं आपको पहले भी मेरे मिनी गार्डन, मेरे मेरे लवली टेरेस एंड बालकनी गार्डन में मैंने आपको दिखाया था, बहुत फूल है। ये नहीं है, मेरे हर गुलाब के अंदर भी खूब सारे फूल आए हुए हैं, कलियाँ आए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखिए कलिया आया हुआ है, ये देखिए कलिया आया हुआ है। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है, ये देखिए आपने, ये देखिए कलिया कितना आया हुआ है, शानदार कलिया है। ये देखिए ये कलिया है, यहाँ पर भी देखिए कलिया है, और यहाँ भी देखिए ये भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में कलिया आया हुआ है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए नीचे, अभी मैंने 1 लीटर पानी ले लिया इसमें, और इसमें पानी में क्या करूँगा, अभी थोड़ा सा 1 लीटर पानी ले लिया है यहाँ पर। और ये चम्मच है, जिस चम्मच से ये नीम ऑयल है, मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो नीम ऑयल है इसके डब्बे में ही निकलता है ऐसे, और इसमें निकाल करके आप देख सकते हैं मैंने कितने डाल रहा हूँ। ये देखिए ये आधा चम्मच करीब है, ये देखिए आधा चम्मच करीब इसमें मैंने डाल देता हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है, अब इसको मैंने कर देता हूँ बंद। उसके बाद ये मैंने शैम्पू डालूंगा इसमें, ये देखिए इसमें भी उतनी क्वांटिटी का शैम्पू डाला है, पूरा भर के नहीं है, छोटा सा चम्मच है, और थोड़ा चम्मच से थोड़ा सा उतनी क्वांटिटी का मैंने शैम्पू डाला है। साथ में मैंने अभी इसमें डालूंगा थोड़ा सा एंटी फंगीसाइड, थोड़ा सा एंटी फंगीसाइड, आप देख सकते हो कितनी सी मैंने, बिल्कुल एकदम मैंने आपको हाथ से निकाल के दिखाता हूँ। देखिए हाथ में देखो कितनी सी, कितनी सी, थोड़ी सी, ठीक है ना, इसको मैंने इसमें डाल दूंगा। ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये है स्प्रे करना है हमने, और उसमें सारे अभी ये स्प्रे लगाऊंगा मैंने इसके ऊपर, एक लगा दिया, थोड़ा सा इसके कम रखिए ताकि इसमें मिलाने में आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरह इसको मिला दीजिए ताकि इसके अंदर थोड़ा झाग आ जाएगा।
अब ये मेरा मिल गया, देखिए ये मिक्सर बन गया है, मिश्रण क्या क्या मिलाया मिलाया इसमें मैंने, 4-5 बूंदे नीम ऑयल और आधा छोटा चम्मच का प्लास्टिक चम्मच का आधा चम्मच करीब मैंने डाला है, हैंड वॉश लिटल हैंड वॉश और थोड़ा सा चुटकी भर एंटी फंगिसाइड ये मिला दिया मैंने। अब मैंने अभी सारे गुड़हल में और साथ में रोज के प्लांट में जहाँ जहाँ मिली वक्त की संदेश है उसमें सारे में मैं अभी स्प्रे कर दूँगा। देखिए ये तैयार हो गया अभी, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। बस अभी हम डालते हैं, जहाँ जहाँ जैसे कली में भी लगा हुआ है और जिसमें नहीं भी लगा हुआ तो वहाँ भी मैंने इसमें डाल दूँगा ताकि किसी में जो संदेह है किसी में मिल वक्त लगने का, ये देखिए देखिए ये देखिए ये साफ हो रहे, साथ साथ थोड़ा हाथ घुमा दूंगा ताकि पौधे के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्यार से आप इसको संभालिए भरपूर आपको फूल देगा, फूल की कोई कमी नहीं रहेगी पूरा साल, चाहे वो देसी वैरायटी का हो चाहे वो आपका चाहे विदेशी हो। जैसे आप देखिए आप मेरे फूल देखिए, हाँ इसमें थोड़ा सा इतने ज़रूर है सीजन के हिसाब से कभी डॉर्मेंट्री भी चली जाता है कुछ उधर से उभर के आ जाता है, तो मौसम चेंजमेंट होता है जैसे फरवरी मार्च में थोड़ा सा मौसम की चेंजमेंट है, अभी जैसे बसंत पंचमी का समय है तो अभी पत्ते झड़े सावन आएगा, पत्ते झड़ेंगे कड़ियाँ कलियाँ झड़ेगी फूल झड़ेंगे, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है ये साल में, हर साल में जब भी दो ऋतु के बीच में जब जॉइंट आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा फूलों की कमियाँ रहती, साइज में भी थोड़ा कम हो जाता है छोटा बड़ा हो जाता है। ये मेरे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मैं आपको और एक मैं आपको वीडियो इसके बाद में डालूंगा, मेरे पिछली वीडियो देखो बहुत बड़ा है मेरे हाथ से, ये जो मेरा जो हाथ है ना ये इसके अंदर पूरा भर जाता है, ये इतना बड़ा बड़ा ये फूल आ जाता है। अभी थोड़ा ये फूल की थोड़ा सा मतलब साइज थोड़ा छोटा हो गया लेकिन कहीं नहीं है, फिर ये आ जाएगा अगले बार जब जैसे मार्च में चढ़ेगा ये, अभी तो ये फरवरी महीना है मार्च महीना जैसे आएगा इसके फूल के अंदर फिर इसकी जो साइज होगी बड़ा हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कलियाँ के कितने बड़े बड़े कलियाँ हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े कलियाँ हैं, अभी इतने बड़े बड़े कलियाँ हैं तो आएगा तो उसके फूल भी उतने बड़े बड़े होंगे, ऐसे नहीं है जो कि फूल छोटे छोटे हो जाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत बड़े बड़े फूल हैं ये बड़े साइज के। मैं आपको पहले ही बताया था मेरे पास लगभग 15 किस्म की गुड़हल है, अभी थोड़ा सा कुछ फूल अभी एक ये पीला कलर का लगा हुआ है बाकी सब कलर की कली आए हो। मैं मिसेज भी सुबह आती है देखती है जो भी पौधे में फूल खुल गया बस उसको उठा करके मंदिर घर में लेकर पूजा में लगा देती, मैं भी मना नहीं करता हूँ क्योंकि ये 2-3 दिन की जो शौक है उसके बाद तो फूल झड़ जाएगी तो कम से कम भगवान के काम में लग जाता है, तो सुबह उठ करके घर में पूजा के लिए ये काम आ जाता है। हम उसको रोज़ हमने मंदिर में जितनी देसी वेराइटी है मेरा सारे देसी वेराइटी तो मैं रोज़ मैंने मंदिर में पूजा के लिए लगा देता हूँ और साथ में कई हैं अभी उसमें है वो मेरी गोल्ड है, गुलाब की कुछ फूल वो फूल ले लेते हैं कुछ गुड़हल का ले लेते हैं, तो ऐसे जो भी फूल सुबह खिल जाता है उसको तकरीबन 60% फूल मैंने पूजा में इस्तेमाल कर लेता हूँ। और बाकी आप आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक करिए दोस्तों को शेयर करिए
और मेरे ऐसे जो नया सब्सक्राइबर है मेरे चैनल में जुड़े हुए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला ऐसे छोटे छोटे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। हैप्पी गार्डन, जो भी गार्डन लवर्स हैं और उनको शायद ये वीडियो एक गाइड की तरह लगेगा। और देखिए कितने सुंदर बगीचा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है देखने के, व्यूअर्स का जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनका है, जिस वजह से मैंने धीरे धीरे करके ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ ताकि मैं अपनी पौधों के लिए जो मैं ट्रीट करता हूँ आप लोगों की भी, अगर आप लोगों के पास ऐसे घर में छोटे मोटे पौधे रखे हुए गार्डन लवर्स हैं तो आपको भी थोड़ा सा बहुत सहायता मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।